हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको सरिस्का का विजिट देने वाले हैं। जी हाँ गाइस, आज हम सरिस्का का पूरा टूर करेंगे। देखिए आप, हम सरिस्का का जंगलों में आ चुके हैं और यहाँ से सरिस्का का जंगल प्रारंभ हो जाता है। आप जो ये रास्ता देख रहे हैं, यह टैला होते हुए पांडुपोल हनुमान जी के मंदिर को जाता है। तो गाइस, अब अपन चलते हैं। गाइस, अब हम सरिस्का गेट की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर अब हमारी चेकिंग होगी और उसके बाद हमें सरिस्का के अंदर एंट्री मिलेगी और इसके साथ ही यहाँ पर हमें टिकट भी कटवाना होगा। आप देख सकते हैं, ये गेट आ चुका है, ये सरिस्का गेट है। यहाँ पर टिकट चेकिंग के साथ ही एंट्री की जाती है और एंट्री फीस लगता है। गाइस, हमने यहाँ पर चेक इन हो लिए हैं और एंट्री फीस भी दे दी है। गाइज, अब आप देख सकते हैं, इस जंगल में बारिश का मौसम नहीं होने के कारण सभी पेड़ों के पत्ते सूख चुके हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको टाइगर या और कुछ भी जानवर दिखेगा हम आपको दिखाएंगे। अब हम पांडुपोल की ओर जा रहे हैं। गाइज, आप देखिए हम कितने ऊपर आ चुके हैं। देखिए, गाइज, जो हम इस रास्ते पर चल रहे हैं इतना ऊपर है कि यहाँ से नीचे की तरफ देखने पर बहुत तेज डर लगता है। काली घाटियाँ गाइज, ये है काली घाटियाँ। देखिए गाइज, हिरण बैठे हुए हैं यहाँ पर। गाइज देखिए, आगे जंगली सूर किस प्रकार से विचरण कर रहे हैं। और मोरों का तो क्या ही कहना, ये तो बीच बीच में मिल ही जाते हैं। सरिस्का के भयानक जंगल से होते हुए अब हम पांडुपोल हनुमान जी के मंदिर पहुंच चुके हैं। गाइस, यह मंदिर टाइगर रिजर्व एरिया में होने के कारण सप्ताह में सिर्फ दो दिन शनिवार और मंगलवार को ही खुलता है। गाइस, जो ये मंदिर है, यह महाभारत कालीन है और यह प्रतिमा भी महाभारत कालीन है। यह वह प्रतिमा है जिस पर हनुमान जी ने बूढ़े वानर का रूप धारण कर भीम का घमंड चूर चूर किया था। हमने भी थोड़ी देर यहाँ बैठकर पूजा अर्चना कर इस मंदिर की पॉजिटिव एनर्जी का आनंद लिया। दोस्तों, आप देख सकते हैं मंदिर के बाहर भी कितना घनघोर जंगल है। गाइस, इस मंदिर की खास बात यह है कि यह सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुला रहता है। अब हम उस स्थान पर जा रहे हैं जहां पर भीम ने गदा मारकर मार्ग निकाला था और अपने भाइयों सहित वहां से बाहर इस जंगल घनघोर जंगल से बाहर निकले थे। यहां का रास्ता भी मोटे मोटे पत्थरों से भरा हुआ था और यहां पर बंदर और लंगूर जैसे वन्य जीव मिल रहे थे। गाइस, अब हम पांडुपोल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और यहां पर नीचे बारिश ना होने के कारण यह झरना अभी बंद है और गंदा पानी ही भरा हुआ है। अब हम ऊपर जाकर आपको अन्य नज़ारे दिखाते हैं। गाइस, राजस्थान में पोल का अर्थ होता है दरवाज़ा, तो ये वह दरवाज़ा है जब महाभारत काल में पांडव और उनके 5 भाई और द्रौपदी के साथ जब जिस जंगल में होकर जा रहे थे तब उन्हें रास्ता नहीं मिला, तब भीम ने यहाँ पर अपनी गदा से ज़ोरदार मारी और ये दरवाज़ा प्रकट हुआ। इसके बाद यहाँ पर जब बारिश का मौसम आता है तो इस झरने से पानी बहता है। गाइस, इस पांडुपोल और इस जंगल का पूरा विवरण महाभारत में दिया हुआ है। दोस्तों, यह दरवाज़ा इतना विशालकाय है कि यह देखने से लगता है कि यह भीम जैसे बड़े आदमी ने बनाया होगा, क्योंकि यह कार्य आम इंसान या अन्य किसी का नहीं हो सकता। गाइज, हम आए हैं ये बहुत ही प्राचीन मंदिर, इसे भीम द्वारा निर्मित माना जाता है। गाइज, हम इस जंगल से इन्हीं लंगूर
सूर, बंदर और हिरण एंड अन्य प्रकार के वन्य जीवों को देखते हुए वापस अपने घर की ओर लौट आए। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।